मैं इस वक्त घंटाघर चौक में खड़ा हूँ। मेरे पीछे अमीबो बाज़ार है जो स्टेशनरी के मार्केट के से मशहूर है। फैसलाबाद में कोरोना केसेस के बढ़ती हुई तादाद के पेशनज़र जिले इंतजामिया ने फैसलाबाद के 8 बाज़ार मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं ताकि ये कोरोना वायरस मजीद बढ़ने से रोका जा सके। ये बहुत अहसन इकदाम है। अगर इसे कुछ देर पहले कर दिया जाता तो ये बीमारी और ना फैलती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम DCO साहब के मशहूर हैं कि जिन्होंने ये कदम उठाया ताकि फैसलाबाद के शहरी इस वबा से महफूज रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने के साथ ही ज़िले इंतजामिया मुतहरक हुई है और उसने कचहरी बाज़ार जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये हिफाजती इकदाम के तहत मुकम्मल सील कर दिया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर मोबाइल शॉप थी जहाँ पर लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे थे, इसीलिए ज़िले इंतजामिया को बहुत सख्त इकदाम करना पड़े और इसे मुकम्मल सील कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र DC फैसलाबाद की हदायत पर और हुकूमत पंजाब की तरफ से फैसलाबाद के 8 बाज़ार मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं ताकि बैरून शहर से आने वाले जो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद उनकी रोकथाम की जा सके और अगर कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्ट शुदा कोई मरीज़ है तो वो भी आम अफराद से दूरी अख्तियार करते हुए। मैं इस वक्त फैसलाबाद के मशहूर बवाना बाज़ार में इस वक्त खड़ा हूँ जो मुकम्मल तौर पर सील शुदा है और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसकी कड़ी निगरानी कर रहे हैं कि किसी तरह इस लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त बैरून जान बाज़ार पे खड़ा हूँ। फैसलाबाद में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र हुकूमत पंजाब और DC की मशारत से फैसलाबाद के 8 बाज़ार मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं ताकि